फ्रेंड्स, ये नेकलेस अगर आपको देखना है तो आप मेरे पूरा वीडियो को फॉलो करिए। मैं अभी इसी नेकलेस का जो है वीडियो बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस नेकलेस को आप हैंडलूम साड़ी के साथ पेयर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। हैंडलूम या लेनिन साड़ी के साथ आप इसे पहन सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक्स क्रिएटिव्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और नेक पीस शेयर करने वाली हूँ। होप कि आप सबको पसंद आएगी। पसंद आने से प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हर रोज अपलोड करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमें नेकलेस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, हमें इस तरह का कटर और इस तरह का जो है पिलर जो है हमें ज़रूरत होगी ज्वेलरी बनाने के लिए और ज्वेलरी मेकिंग वेयर। और हमने जो है इस तरह का सिल्वर कलर का जो है घुंघरू लिए हैं छोटी वाली, और टसल लगेगी एक और दो थ्रेड बॉल, और जो है इस वेयर को लॉक करने के लिए हमें लॉक बीट चाहिए होगी। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ना मैं इस वायर को जो हमारा ज्वेलरी मेकिंग वायर है इस टसल में मैंने लगा के यहाँ लॉक कर दिया और इसमें सिंपली एक थ्रेड बॉल से इसे थ्रेड बॉल को जो है इसमें इंसर्ट कर दिया। अब जो है मैं एक के बाद एक जो है ये घुंघरू है, ये घुंघरू जो है मैं इन इसमें वायर में डालूंगी। दोनों वायर को इकट्ठा करके हमें घुंघरू डालना है, अलग अलग नहीं डालना है फ्रेंड्स। दोनों वायर को इकट्ठा करके हम डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मोती लेंगे और जो है घुंघरू में हमने पिरोना है। घुंघरू है, सॉरी, ये मोती नहीं है, सिल्वर कलर की। फ्रेंड्स, इसके प्राइस के बारे में अगर आप पूछोगे तो हमारे लोकल मार्केट में ये अवेलेबल है और ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो। मैं जो ये लोकल मार्केट से ली हूँ तो आपको मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती। और लोकल मार्केट में जो ये पैकेट आती है, ये इस 30 रुपीस आती है पैकेट। आप इस तरह से जो है पिरोते जाना है हमें, जितना लेंथी चाहिए उतना लेंथ में हम इसे पिरो लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है इसी तरह पिरोते पिरोते इतने तक आ गए। आप अपना अकॉर्डिंग रखिए क्योंकि हर किसी का जो नेक का जो है मेजरमेंट अलग होता है। कुछ पतले लोग होते हैं, कुछ मोटे लोग होते हैं, तो उस हिसाब से आपको कितना लेंथ रखना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। हमें और थोड़ा सा पिरोना बाकी है। पिरोने के बाद हम इस टसल की जो दूसरे छोर है उसे हम लॉक करेंगे। फिलहाल हम मोतियों को घुंघरू, मैं बार बार मोती बोल रही हूँ, घुंघरू को जो है पिरो लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना तक हमने पिरो लिया हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, देखिए टसल को हम किस तरह से टसल में इसको लॉक करेंगे। पहले जो है हमें एक लॉक भी डालनी है, सबसे पहले हम इसमें थ्रेड बॉल डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने थ्रेड बॉल डाल लिए। अब जो है हमें लॉक भी डालना है। लॉक भी डालने से आपका जो है फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। डालने के बाद देखिए टैसल में ऐसे हमारा हुक या वायर को फंसाने के लिए थोड़ा सा जगह दिया जाता है। उस होल के अंदर से हम इस वायर को बाहर निकालेंगे। देखिए अब जो है इस लॉक वापस जो इस मुंह को जो है इस लॉक बिट के अंदर से हम बाहर निकालेंगे। देखिए अब यहाँ जो है एक लूप क्रिएट हो गया। इस लूप को आप धीरे धीरे खींचते जाएंगे। देखिए बहुत ही सावधानी के साथ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो नेक पीस है ये टाइट होना बहुत जरूरी है। इसे टाइट होने के लिए ही हमें लॉक बिट जरूरत पड़ेगी। देखिए हमने एकदम खींच लिए हैं एकदम पास में।
अब हम देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं डिटेल में दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ और जगह नहीं बचा, हमने इस वायर को जो है इतने अच्छे से खींच के यहाँ जो है हमने लॉक बिट को एकदम छोर पे जो है ला दिए हैं। अब हम इस लॉक बिट को जो है नोज पिलर के मदद से, जो ये है इसके मदद से हम इसमें जो है टाइटली इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद हम इस वायर को काटेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस वायर को काटेंगे। काट लिए हैं और इस लॉक बिट को जो है हम यहाँ पे जो है इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब जो इस वायर का जो ये मुंह दिख रहा है, इसको आप अंदर तरफ थ्रेड बॉल के अंदर डाल लीजिए। बस देखिए, ये हमारा जो है नेक पीस बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा से बना है। अब इसी तरह से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इस घुंघरू को जो है मैंने सिल्वर कलर का लिया है। आप जो है इसको गोल्डन कलर का घुंघरू भी आता है, आप गोल्डन कलर में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बड़ी मोती और एक छोटी मोती को पेयर अप करके आप इस तरह का नेकलेस बना सकते हो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए। कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।